इंदौर शहर में अवैध हथियार की तस्करी करने वालों पर पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी विगत लंबे समय से हथियारों की तस्करी का काम कर रहे थे। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़वानी जिले का रहने वाला सिकलीगर तूफान सिंह अवैध हथियारों की खेप लेकर इंदौर डिलीवरी देने आ रहा है। सूचना के आधार पर राव पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर तूफान सिंह को धर दबोचा, जिसकी तलाशी लेने पर 3 अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भी 7 पिस्टल बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये क्राइम ब्रांच की टीम ने राव थाना और राजेंद्र नगर थाने के साथ मिलकर एक आर्म्स, जो अवैध आर्म्स की सप्लाई करते थे, उनके गैंग का खुलासा किया है। और इसमें 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से एक तूफान सिंह पिता प्रहलाद सिंह है, जो कि बड़वानी का रहने वाला है, और इसके अलावा एक अरविंद पिता लालजी राम है, जो कि गुना का रहने वाला है, और इसके अलावा 2 और इसमें आरोपी हैं, सलमान और अरुण, ये यही इंदौर के रहने वाले हैं। और ये मिलकर एक अवैध हथियारों का, जिसमें कट्टे और 12 बोर और विभिन्न तरह के हथियार थे, इन सब का ये डीलिंग करते थे, सप्लाई करते थे, और विभिन्न जिलों में गुना, सेंधवा और इंदौर में इसकी सप्लाई करके खरीद फरोख्त करते थे।